डीजे के साथ बारात लाने पर काजी ने निकाह पढ़ने से ही इनकार कर दिया। पूरा मामला छतरपुर जिले के नौगांव का है। डीजे की रोक के बावजूद डीजे बजाते हुए दूल्हा बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया। इस पर काजी साहब बिखर गए, उन्होंने निकाह पढ़ाने से ही मना कर दिया। करीब 4 घंटे चले मान मनोबल के बाद काजी एक शर्त के साथ मान गए कि वर और वधु पक्ष के लोगों को स्टेज पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। शर्त के मुताबिक दूल्हे के घर वालों ने सार्वजनिक रूप से मंच पर पहुंचकर माफी मांगी। इसके बाद रात 1:30 बजे के करीब निकाह पढ़ाया गया। फिलहाल यह मामला पूरे छतरपुर जिले में चर्चाओं में बना हुआ है। इस मामले में जामा मस्जिद काजी मुनव्वर रजा कादरी ने बताया कि उन्होंने शादी में फिजूल खर्च रोकने के लिए तंजीम चलाई है। वैसे भी शादी में डीजे बजाने और नाचना गाना इस्लाम में हराम है। शरीयत के कानून के मुताबिक यह एक बड़ा गुनाह है। डीजे पर शराब पीकर नाचते और हुड़दंग मचाते हैं तो ऐसे लोगों से अन्य लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर डीजे के चलते आसपास के रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना होता है। काजी के द्वारा निकाह पढ़ने से इनकार करने का यह मामला शादियों में बेफिजूल खर्ची करने वाले लोगों के लिए एक नसीहत की तरह साबित हो रहा है। छतरपुर जिले से आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार सोहराब मंसूरी की रिपोर्ट। भाई की और मस्जिद के अंदर से निकाह होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा माहौल, और एक महीने के बाद शादी हुई इसी घर के अंदर, और किसी को खबर नहीं है। दो दिन यहाँ अलग जो है बैंड वाले तैयार कर दिया उन्होंने, अच्छी बात है। आपकी खुद शादी है, आपको तो वैसे भी खामोश रहना चाहिए, करना वो करेंगे। तुम्हारी बात किसकी शादी में फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे हिसाब से सब काम करते जा रहे हैं हम लोग, गलत बात है, बहुत गलत। पूरे शहर को आप बदनाम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरे शहर